दिन हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। मार्केट में बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद सुजलॉन एनर्जी ऊपर की ओर ही सस्टेन होते हुए नज़र आया है। बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिलती, जो बड़े प्लेयर है वो यहाँ से अपना माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मार्केट में पिछले हफ्ते से गिरावट देखने के लिए मिल रही है, करेक्शन ही देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। लेकिन सुजलॉन एनर्जी 7 रुपये के लेवल से 21 का हाई बना चुका है, उसके बावजूद यहाँ सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अभी फ्रेश बाइंग इस रेंज में अवॉइड करनी है। अगर आपने पोजीशन बना रखी है, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो छोटी मोटी गिरावट के साथ डरना नहीं है। स्टॉक लगातार ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ से अगर 1.5-2 साल की बात की जाए तो स्टॉक 3 रुपये का था, 6 रुपये का, 9 का, 12 का, 12 को ब्रेकआउट दिया और फिर 21 के लेवल हमको दिखाए हैं। लॉन्ग टर्म में और अपसाइड यहाँ दिखा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो एटलीस्ट स्टॉक 16.80 रुपये के नीचे ब्रेक डाउन दे गया तो फिर बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। 12.80 रुपये तक का फॉल हमको देखने के लिए मिल सकता है अगर 16.80 रुपये का सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो। अभी ए लेवल ब्रेकआउट देता है इस रिसेंट हाई को, जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है 21 के लेवल से, तो यहाँ अगेन अपने को बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है।